असफलता का डर, मतलब कि फियर ऑफ फेलियर, हम सभी कभी ना कभी लाइफ में एक्सपीरियंस करते ही हैं। हो सकता है एग्जाम आने से पहले करें, या फिर रिजल्ट आने से पहले, या जॉब इंटरव्यू से पहले हमें ये डर रहता ही है कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए तो। पर इसी डर की वजह से कई सारे लोग अपनी गोल्स बनाना बंद कर देते हैं, अपने लक्ष्य बनाना बंद कर देते हैं, उनको अचीव करना बंद कर देते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फियर ऑफ फेलियर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उससे कैसे हम निपटें। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। असफलता का डर, मतलब कि फियर ऑफ फेलियर, उस डर को कहा जाता है जब हम अपने लक्ष्य को पाने से रोकने लगे, हम उसको अचीव करने से रोकने लगे, तो वो जो डर हमारे मन में बैठता है कि अगर हम असफल हो गए या फेल हो गए तो क्या होगा, इस डर को हम फियर ऑफ फेलियर कहते हैं। ये डर कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि हमने कोई ऐसा फेलियर देखा हो पहले जिससे हम अच्छे से निकल नहीं पाए हैं, तो हो सकता है हम सारी चीजें अचीव करने से पहले उसको कंपेयर करना शुरू कर दे और इसी वजह से हम उस चीज को करें ही नहीं। या फिर कई सारे केसेस में ये भी देखा गया है कि फैमिली सपोर्ट अगर ना हो, अनसपोर्टिव पेरेंट्स हो, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन मिली हो बचपन में, तो उन लोगों में भी ये देखा गया है वो लोग फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा ही एक्सपीरियंस करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले कोई ट्रॉमेटिक इवेंट ऐसा गया हो जिससे आप उभर नहीं पाए हैं, तो इस वजह से आप नई चीजें एक्सपीरियंस करने में या फिर नई चीजें ट्राई करने में डरते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें चार कॉमन सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला है कि आप कोई भी नया प्रोजेक्ट हो या कोई भी नई चीज हो उसको ट्राई करने से परहेज करेंगे, आप उससे हमेशा दूर जाएंगे, आप अवॉइड करने की कोशिश करेंगे ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपको ऐसा लगता हो कि अगर मैंने ये किया तो मैं फेल हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। दूसरा है, आप शायद प्रोक्रेस्टिनेशन करना शुरू कर दे, किसी भी चीज को कल के लिए छोड़ना शुरू कर दे। बहुत ज्यादा आपको एंजाइटी फील हो कोई भी नई चीज ट्राई करने से पहले या किसी नई चीज के बारे में सोचने से भी पहले, तो ये भी एक सिम्टम है। तीसरा है, आपका लो सेल्फ एस्टीम हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका कम हो जाए और आपको अपने ऊपर उतना ज्यादा यकीन ना रहे। इसके लिए हो सकता है आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोलना शुरू कर दें, जैसे कि ये चीज तो कभी पूरी होनी ही नहीं है, मैं तो कभी इस चीज को अचीव कर ही नहीं सकता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट या इतना स्मार्ट ही नहीं हूँ कि मैं इस चीज को पा सकूं। तो जब भी आप ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स अपने आप के लिए बोलना शुरू कर दें तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है। और फोर्थ है परफेक्शनिज्म। हो सकता है आप वो ही चीज खाली ट्राई करें जहाँ पे आपको पता है कि आप ये खत्म कर सकते हैं या फिर ये आप कर पाएंगे, आप दूसरी चीजों को नहीं करेंगे, आप अवॉइड करेंगे इस वजह से क्योंकि आप जानते हैं कि आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये चारों फियर ऑफ फेलियर के कॉमन सिम्टम्स हैं। फियर ऑफ फेलियर की वजह से हो सकता है कि आपकी एंजाइटी बढ़े, आपका स्ट्रेस बढ़े, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, और जब सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस कम होता है तो वो हो सकता है डिप्रेशन के सिम्टम्स थोड़े बढ़ा दे। तो चलिए हम जानते हैं ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि हम ये फियर ऑफ फेलियर को अवॉइड कर सके और इससे बाहर आ सके। इसमें सबसे पहला है गोल सेटिंग्स करना। पर अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है तो फिर ये हो सकता है कि आप अपने गोल्स को सेट करने से अवॉइड करें। पर जब हमारे पास गोल्स होते हैं तो हमें पता होता है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, तो इसलिए सबसे पहला मेरा सजेशन होगा कि आप गोल सेटिंग्स करें। उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाइए, आप ऐसे गोल्स बनाइए जो आपको ओवरवेल्म ना करे, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दे, आपको ज्यादा चैलेंज ना दे। तो छोटे छोटे गोल्स अगर आप बनाएंगे तो उसको अचीव करने में आपको वो आसान लगेगा, और आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आप ऐसे कुछ गोल्स बना सकते हैं जो आपको पता है कि आप अचीव कर ही लेंगे, तो उनको शुरू में आप गोल्स में रखिए, तो जब वो अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दूसरा है विजुअलाइजेशन करना, मतलब कि आपको किस तरफ जाना है, आपका क्या लक्ष्य है, उसको आप विजुअलाइज कीजिए, मतलब कि उसको सोचिए कि वो कैसा आपको लगेगा जब आप उस चीज को अचीव कर लेंगे। विजुअलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा मोटिवेटर है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए मदद कर सकता है, आपके गोल सेटिंग्स के लिए मदद कर सकता है।
पर ये भी देखा गया है जिनको ज्यादा एंजाइटी होती है वो विजुअलाइजेशन के समय थोड़ा एंशियस फील करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं और आप ट्राई करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी एंजाइटी बढ़ा रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए। आप विजुअलाइजेशन के लिए एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं जिसको आप बेड साइड में रख दीजिए या फिर अपने अलमीरा में रख दीजिए जिसमें आपकी हर दिन नजर जाए, तो ये भी आपको गोल्स अचीव करने में मदद करेगा। तीसरा है पॉजिटिव थिंकिंग। मैं जानती हूँ कई सारे सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना मुश्किल हो जाता है, पर अगर आपको नेगेटिव मतलब कि नकारात्मक आपको विचार आ रहे हों तो उनको चैलेंज कीजिए, उनको आप रीफ्रेम करने की कोशिश कीजिए। जो भी आपको विचार आ रहे हैं उसको रीफ्रेम करके पॉजिटिव में चेंज कीजिए। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा और आपके एंजाइटी को भी कम करेगा। चौथा है प्लान बी रखिए। जब भी हमें पता हो कि हमारे पास में एक और ऑप्शन है तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े रिलीफ हो जाते हैं ये सोचने में कि अगर हम फेल हो भी गए तो हमारे पास एक और ऑप्शन है ट्राई करने के लिए। तो जब भी आप अपने गोल्स बनाएं तो उसके लिए आप एक प्लान बी भी रखिए, तो ये आपको मदद करेगा उसे अचीव करने में भी और आपको मोटिवेट भी करेगा कि अगर आप फेल हो गए तो आपके पास एक और ऑप्शन है। पांचवा और आखिरी ये है कि आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि किन कारणों की वजह से आप अपने अचीवमेंट्स को पाने से डर रहे हैं। अगर ये कोई इवेंट है या सिचुएशन है या कोई ऐसे इंसान की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से आपको ये डर लग रहा है, तो जब आपको ये पता चल जाएगा जिस कारण की वजह से ये हो रहा है तो हो सकता है वो आपको मदद करेगा उस सिचुएशन को या इवेंट को अवॉइड करने में और उस गोल को अचीव करने में। और इस चीज का पता करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी वो डर आपको आता है उसके बाद में आप एक पेपर में नोट डाउन कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन लोग थे, क्या सिचुएशन था, आपको क्या क्या थॉट्स आए, क्या क्या फीलिंग्स आए। आप एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या क्या सिचुएशन में या क्या क्या लोगों की वजह से वो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आखिरी में मैं यही बोलूंगी कि अगर आपने ट्राई किया और आप सक्सीड हुए तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, पर अगर आप फेल हुए तो उसको लाइफ का फेलियर समझ के मत चलिए, उसको एक लाइफ का एक्सपीरियंस समझ के चलिए, एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझ के चलिए। उसको भी एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं कि किन कारणों की वजह से आप फेल हुए, तो शायद आपको वो अगली बार मदद करेगा और उसके बाद में फिर से ट्राई कीजिए बिना डरे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाए। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो उसे मुझे ईमेल कर दीजिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।